नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आपका एसआरएस एंटरटेनमेंट पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेनली हमारा चैनल मूवी के कलेक्शन पे ही ध्यान देता था, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि मूवी के ट्रेलर लॉन्च से लेके मूवी के रिलीज तक का रिव्यू आपके सामने रखें। इसी में आगे बढ़ते हैं और हम इस बार रिव्यू करेंगे सिम्बा मूवी के ट्रेलर की। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी की ट्रेलर की, तो मूवी का ट्रेलर लगभग पूरी कहानी बता देता है। यह ट्रेलर और मूवी साउथ इंडियन एक्शन मूवी को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें प्लस सिर्फ रोहित शेट्टी का डायरेक्शन हो सकता है। इस मूवी के ट्रेलर को देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो सिंघम का एंट्री दिखाया है और लास्ट में जो अजय देवगन की एंट्री दिखाई है, वो थोड़ी सी ही इंटरटेनिंग लगती है। बाकी मूवी ऐसी है कि एक करप्ट ऑफिसर है जो किसी कारण की वजह से एक रिवेंज लेने के लिए सीधा साधा और ईमानदार ऑफिसर बन जाता है। मूवी के ट्रेलर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये रणवीर की पोस्ट मैरिज की पहली मूवी रहेगी, लेकिन मूवी का ट्रेलर इतना कुछ खास नहीं लगा है अभी तक। अगर ट्रेलर को देख के इस मूवी के कलेक्शन के ऊपर जाएं तो जैसा कि रोहित शेट्टी का बैकग्राउंड है, उनकी डायरेक्शन, एक्शन और रणवीर सिंह की जो फैन फॉलोइंग फिलहाल में उनके पिछले 3-4 मूवियों से बड़ी है, वो एक ऐसे यंग एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ओल्ड एज तक है। और रोहित शेट्टी का डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को अगर ये करे तो यह मूवी 200+ की लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के सब लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। मेरी तरफ से इस मूवी के ट्रेलर को मिलते हैं 3 स्टार आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलिए।